Assalamu dear students. I'm Muhtar Ahmed with Virtual University's course Human Resource Management and today we'll be discussing about lecture number six. I hope you are doing fine and you're learning something. So far we have covered five chapters and today we'll be discussing chapter number six. But as usual, before Starting next topics, we have to go back a bit just to discuss a summarize few things from chapter number five. So remember what did we cover in chapter number five? Let's see. We started with the organization behavior.

और यूनिट को अगर समझ लें तो फिर पूरे ग्रुप को समझना आसान हो गया एंड वेन यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रुप तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को समझना उसको मैनेज करना आसान हो गया सो वी स्टार्ट विद इंडिविजुअल्स एंड देन वी डिस्कस अबाउट ग्रुप्स ग्रुप कैसे बनते हैं कितनी किस्मों के होते हैं यस फॉर्मल इनफॉर्मल एंड देन वी आल्सो कवर्ड वाई पीपल ज्वाइन ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तो ग्रुप बनाते हैं लोग दे ज्वाइन ग्रुप्स इसकी क्या रीजन बताई थी क्या जस्टिफिकेशन थी हाँ सिक्योरिटी परपज़ के लिए फायदा उठाने के लिए टू हैव मोर से वट एवर यू आर से प्रेशर भी होता था यस एंड सो ऑन उसके बाद हमने देखा कि टीम्स क्या होती हैं तो आपको तो अब टीम और एक ग्रुप के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीम एंड ग्रुप यस टीम वो ग्रुप है वेयर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप आर इन ऑन इच अदर वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए अपनी डिलीवरी के लिए तो कोई मिसाल दे सकते हैं किसी टीम की लाइक like what? यस yes, हॉकी की टीम है एक दूसरे को पास देंगे तो कोई गोल कर सकेगा ना इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी टीम बनाई जाती हैं। तो इसमें मेरा ख्याल हमने कुछ टाइप्स ऑफ टीम्स भी पढ़ी थी वर्चुअल टीम थी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम थी चार पांच किस्म की थी। ठीक है तो वर्चुअल टीम क्या होती है नो दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम के सब मिल के एक पर्टिकुलर इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वर्चुअल टीम इज बेसिकली वेयर द मेम्बर्स आर नॉट नेसेसरी प्रेजेंट एट वन प्लेस वो किसी दूसरी जगहों पे बैठ के भी एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकते हैं और अपनी टीम परफॉर्मेंस दे सकते हैं उसके बाद क्या कवर किया हमने दैट वाज हाउ यू कैन टर्न इंडिविजुअल्स टू टीम आपको याद होगा एक किसी की कोटेशन हमने एक उसमें डाली थी स्लाइड में कि आप लोगों को तो अच्छे लोगों को इकट्ठा तो कर सकते हैं लेकिन उनको टीम मेंबर बनाना इज ए समथिंग वेरी स्पेशल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो टीम बनाने के लिए हमने तीन चीजों को डिस्कस किया था वन वॉज टू सेलेक्ट द राइट पर्सन एंड नंबर टू वॉज टू ट्रेन दैम सो देट दे शुड बिकम द टीम मेम्बर्स वो जो इंडिविजुअल्स हैं और फिर उसको अटैच कर दीजिए इंसेंटिव के साथ रिवार्ड के साथ तो नेचुरली दैट टीम विल बी एफेक्टिव आर परफॉर्मेंस गिविंग टीम सो आई थिंक वी आर डूइंग फाइन तो अब चले आगे तो आज देखते हैं आज हमने क्या डिस्कस करना है आज थोड़ा सा शायद आपको एक बोरिंग सब्जेक्ट लगे बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इट इसल्सो नेसेसरी वी शुड आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक टू क्या था आज का टॉपिक हिस्ट्री यस और हिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं हम हिस्टोरी उसकी कहानी क्यों किसी की कहानी सुनते हैं पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले ये सारा कुछ किसी ने जो अचीव किया किसी ने जो हासिल किया जो चीज़ बनी है कैसे बनी है ताकि हमें उससे आगे जा के लिए जाने के लिए आसानियाँ मिलती जाएँ तो आज उस हिस्ट्री के बारे में अबाउट वर्क पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये दो लफ्स हैं जो बार बार आपस में मिक्सअप uh, होके हम यूज़ करते हैं वन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो आज पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वुल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट कैसे आया क्या चीज़ है ये एंड देन वुल डिस्कस फ्यू थिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट आई ड वॉन्ट टू गो इन दैट मज डिटेल कि जहाँ पे हम मुख्तफ ई ईयर वाइज और हर एक उस, उसको डिस्कस करते जाए जिसने इस पर काम किया है लेकिन आई ट्राई टू गिव यू सम आइडिया कि कैसे डिवेल्प हुआ ये सब्जेक्ट और फिर ये किस तरह पर्सनल मैनेजमेंट व शिफ्ट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इन दोनों में क्या फ़र्क है अगर है तो क्या बेसिस हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दर्स्ट टॉपिक द पर्सनल मैनेजमेंट अब जनरली देखा जाए तो हम रोजमर्रा जिंदगी में पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक ही बात की एक ही जगह यूज़ करते हैं लेकिन टेक्निकली थोड़ा सा अप्रोचेज में डिफरेंस है लेट्स सी व्हाट इज़ पर्सनल मैनेजमेंट कुछ किताबों में इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ एम्प्लायर्स यूटिलाइज ओब्टेन मेंटेन वट राइट पर्सनस राइट नंबर ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पर्सनैल के बारे में जो एम्प्लॉयर की मुख्तलि एक्टिविटीज हैं उसकी स्टडी को पर्सनैल मैनेजमेंट कहते हैं लेकिन जिसने लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था प्रायर टू मिड सिक्सटीज दिस सब्जेक्ट वॉज नॉन समथिंग डिफरेंट अफकोर्स दे यूज द वर्ड पर्सनल मैनेजमेंट देर सेंगट इट इज ए हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्र्यू वाई दे कॉल इट हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्रूज क्योंकि उनके जहन में उस वक्त जो इसका कंसेप्ट डिवेल्प हुआ था पर्सनल मैनेजमेंट का वो चंद प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज वो कहते हैं बेसिक एक्टिविटीज ऑफ रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्स आर पर्सनैल वॉज मेन फंक्शन ऑफ दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पर्सनैल मैनेजमेंट आज कल तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं इसी की शक्ल है एडवांस शक्ल कहना चाहिए उसमें तो बहुत एडवांस लेवल पे हम स्ट्रेटेजिक लेवल पर जाके उसको इन्वॉल्व करते हैं लेकिन एट दैट टाइम इट वाज जस्ट फॉर बेसिक रूटीन वर्क और बेसिक रूटीन एक्टिविटीज ऑफ पर्सनैल्स तो जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त वे बैक आफ्टर टिल सिक्सटीज़ जब ये पर्सनल मैनेजमेंट नया नया डेवलप हो रहा था तो देर डूइंग सम प्रिलिमिनरी और प्राइमरी जो उनकी एक्टिविटीज होती थी बड़ी सिंपल सी होती थी डेट्स गेस क्या कर सकते थे उनका क्या काम होना चाहिए था रोजमर्रा जिंदगी के कुछ एक्टिविटीज जो डायरेक्ट रिलेट करती थी ह्यूमन रिसोर्स से नॉट ऑफिशियल पर्पज नॉट काइंड ऑफ लाइक टूडे वी आर डूइंग रिक्रूटमेंट हायरिंग एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स सम अदर एक्टिविटीज इसीलिए उनको हैप्पीनेस क्यों कहा गया ना सोशल एक्टिविटीज टाइप लाइक वाट देर प्लानिंग पिकनिक्स फन पार्ट अपने एम्प्लाइज को लेके कहीं जाना है उनके लिए पार्टी का इंतजाम करना है ये रिस्पांसिबिलिटी होती थी वो जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता था उनका या पर्सनल मैनेजमेंट वाले होते थे देवर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्केड्यूलिंग वोकेशन कि छुट्टी पे किसने जाना है इस दफा नेक्स्ट मंथ किसको छुट्टी पे जाना होगा एंड दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ मैनेज बाई पर्सनल डिपार्टमेंट वॉट एल्स दे आर ऑल्सो एनरोलिंग दे वर्कर देर एम्प्लॉइज फॉर सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस हेल्थ केयर जो एक्टिविटीज होती थी कवरेज उनकी उस वक्त हॉस्पिटल के साथ उनको डॉक्यूमेंट्स बना के देना अगर कोई बीमार हो जाता है या उसके लिए किसी इंश्योरेंस से बात करनी बाकी जो फॉर्मेलिटीज इस तरह की दैट वाज आल्सो रिस्पांसिबल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ दैट टाइम एंड वर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रिटायरमेंट पार्टीज कोई रिटायर हो गया किसी की ट्रांसफर होगी उसके लिए जो पार्टीज वगैरह अरेंज की जाती हैं अग्रैश के अंदर दैट वॉज़ आल्सो जॉब ऑफ दैट पर्सनैल डिपार्टमेंट तो देखिए क्या डिफरेंस है अभी जो हमने पहले और दूसरे लेक्चर में कहीं बेसिक फंक्शन को भी टच किया था हल्का सा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या फंक्शन हैं अभी भी कुछ आज भी कोशिश करेंगे और इन श्यूचर लेक्चर्स में तो यू सी द डिफरेंस हाउस इट्स दिस सब्जेक्ट स्टार्टड दिस डिपार्टमेंट स्टार्टड एंड हाउ इट वॉज ग्रोइंग लेट्स टाक अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री अगेन आई दिसड इट सीम टू बी समाइम पीपल से इट इज़ ए वेरी बोरिंग सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो हमेशा घबराते हैं कि हम इसमें उड़ जाएंगे बिकॉज दे के नट रिटेन ऑल दोज नंबर फिगर्स डेट्स और किस सीक्वेंस से इवेंट होते आ रहे हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल से देखेंगे रिलेट करने की कोशिश करेंगे एक ईवेंट को दूसरे के साथ और देखेंगे किस तरह ये शिफ्ट आई किस तरह ये पर्सनैल डिपार्टमेंट जो सिर्फ चंद बेसिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था वो आस्ता आस्ता इतना इंपॉर्टेंट जो आजकल की सोसाइटी के अंदर आजकल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता जा रहा था दिस इज नॉट ए न्यू सब्जेक्ट वे बैक इन 90 सॉरी एटी नाइनटीज में भी इसका जिक्र आता है कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपने पर्सनल डिपार्टमेंट उस वक्त भी लेट 18 सेंचुरी में उसके अंदर इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया एटीन में यूएसए के अंदर हमें कुछ रेफरेंस मिलते हैं कि डिपार्टमेंट इस तरह के डिपार्टमेंट भी बने थे एंड इन बिगिनिंग इट वाज डिफरेंट अप्रोच एज ए सेट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द डेवेलपमेंट ऑफ पीपल दे आर मेनली कंसर्न अबाउट वो जो बेसिक मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं अगर आपने पढ़ी हों या आई विल सजेस्ट कि आप जरूर उनको देखिए मैं उनको इतनी डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकूँगा क्योंकि देट तो विल बी डिफरेंट देन चैप्टर विल बी ओपनिंग कपल ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स टेलर के ज़माने से बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्यूरी और किस तरह वो उनका ख्याल था जैसे मैंने शुरू में भी कुछ लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया देर ट्रीटिंग पीपल लाइक कमोडिटीज दे वर नॉट कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर और देयर देयर एटीट्यूड देयर बिहेवियर दे वर मेनली कंसर्न अबाउट द नंबर जिस तरह कितने आपके पास मशीनें हैं कितने आपके पास गाड़ियां हैं कितने आपके पास जहाज हैं इस तरह नंबर ऑफ पीपल और वो पीपल जो कुछ काम कर सकते थे हेल्दी होते थे दे आर मेनली कंसर्न अबाउट दोज थिंग एन अप्रोच वॉज टोटली डिफरेंट टिल फिफ्टीज सिक्सटीज में जाके कुछ चीज़ें चेंज होती गई वाई दैट चेंज देयर? लेट्स डिस्कस फ्यू इवेंट एटलीस्ट वन आर टू इवेंट्स मेन इवेंट्स जिसने इसमें शिफ्ट लाया और वो चीज़ें क्या थी ये जिसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को कंसेप्ट uh, को लाया दैट वॉज देट वॉज सो मैनी डिफरेंट थिंग लाइक आपने हमने मेजलो की थ्योरीज को जब मोटिवेशन वगैरह पढ़ेंगे तो मैजलो अब्राहिम मेजलो की थ्योरी पढ़ेंगे हरा की एफ नीड उसने भी एक चीज समझाने की कोशिश की इंसान मुख्तलफ स्टेजस पे उसकी मुख्तल्फ जरूरियात होती हैं और उसी बेस पे उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है इसी तरह एक स्टडी हुई जिसे जैसे वेरी फेमस स्टडी नोन एज हाथ होन स्टडीज एंड दैट वॉज कंडक्टेड एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ यूएसए इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक स्टडी की जिसमें कोर्स अकेडमिया के लोग भी शामिल थे कोई उनका लेट्स सी के मुख्तलिफ चीजों से हम किस तरह वर्क परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं उसमें एक चीज़ उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की इसमें कि लाइट इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है क्या इफेक्ट होता है प्रोडक्टिविटी पे एन एज नॉर्मल रिसर्च एक्टिविटीज़ दे डिवाइडेड द ग्रुप लाइक कंट्रोल एंड देन दे हैव सर्टन काइंड ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंट एक तो जो बेसिक था बगैर किसी चेंज के उन्होंने एक लोगों की प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व की और फिर कुछ लोगों के साथ उन्होंने किसी कई जगहों पे उन्होंने लाइट इंटेंसिटी को चेंज करके बढ़ा के उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की देखने की कोशिश की कि इससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है तो यू नो व्हाट हैपन जैसे जैसे वो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते गए प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजिंग वेरी गुड रिजल्ट डायरेक्टली कोर रिलेशनशिप यू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी एंड यू कैन हैव मोर प्रोडक्टिविटी तो उन्होंने सोचा कि वाई नोट वी जस्ट स्टार्ट रिड्यूसिंग द लाइट इंटेस्ट्री एंड लेट सी वट वट इज द रिजल्ट अब लॉजिकली जो जिस तरह हमने जिस तरह हम खुश हुए कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो लॉजिकली तो क्या होना चाहिए था कि लाइट इंटेसिटी कम करने से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती बट वेरी स्ट्रेंजली दे फाइंड आउट कि एज कंपेयर टू कंट्रोल इवन इफ यू रिड्यूज द लाइट इंटेंसिटी उनकी प्रोडक्टिविटी फिर भी बेहतर हो रही थी एंड दिस वाज काइंड ऑफ स्ट्रेंज रिजल्ट अब उसको जस्टिफाई कैसे करें इट वाज वेरी इजी अगर तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती और इंटेंसिटी कम करने से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती तो दैट वॉज ए वेरी नाइस काइंड ऑफ रिजल्ट और एक अच्छा रिसर्च वर्क निकल आया था लेकिन नाउ दे दे गार डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट दीज रिजल्ट वर्क स्ट्रेंज लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही दे अंडरस्टूड के समथिंग एल्स इज वर्किंग हेयर एंड दे कंटिन्यू डूइंग सर्टन काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज रिसर्च एक्टिविटी करते रहे कि ये फिगर आउट करें कि क्या हो रहा है और इस पर मोर देन टेन ईयर्स का अरसा भी लग गया लेकिन दे कम अपरी नाइस रिजल्ट जिसने इस सारी इंसान को एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच की तरफ लाया एंड वट वे देर फाइंडिंग देर फाइंडिंग वॉज इट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी दैट इफ दे नो समॉचिंग दैम समब्जरविंग दैम गिविंग दैम इंपॉर्टेंस दे विल ट्राई टू बी केयरफुल एंड दे विल परफॉर्म एक्स्ट्रा एंड दे विल परफॉर्म बेटर डजेंट मैटर इफ देव आर इंक्रीजिंग द लाइट और डिक्रीजिंग द लाइट देट वॉज वन फैक्टर बट द अदर फैक्टर्स द मेन फैक्टर विच वॉज इफेक्टिंग दर परफॉर्मेंस वॉज द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी इन चीजों ने उस, उस दौर की इन एक्टिविटीज ने इन फाइंडिंग्स ने और इस तरह की बाकी जो साइंस रिसर्चर थे उनके कामों ने उस जो जो मैनेजमेंट की वो थिंकिंग थी कि ह्यूमन्र कमोडिटीज उसके अंदर एक शिफ्ट लाई और पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग नो दिस कमोडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट The human, they have the feelings, they got different attitude, they got different motivations. This history and the major shift, trend changed and people started looking after the welfare and other uh, relevant kind of activities for human being. और ये सारा कुछ फिफ्टीज और सिक्सटीज में हुआ क्योंकि वो पिछले जो वन और टू डिकेज में जो हाथॉर्न स्टडी और इस तरह की जो एक्टिविटीज हुई थी उसकी वजह से द शिफ्ट केम टू अबाउट टू वर्ड बिहेवियर साइंसेज और जिसको ह्यूमनिस्टिक और ह्यूमन रिलेशन मोमेंट कहते हैं उसकी तरफ चेंज आती गई फिर उसके बाद सेवेंटीज का जो अशरा आया उसके अंदर क्योंकि जब इंसानों को भी पता लग गया कि वो आर इंपॉर्टेंट वो थोड़ा सा यूनिज्म और ग्रुप्स की तरफ आना शुरू हो गए उन्होंने अपनी अफादियत इंपॉर्टेंस दायर करना शुरू कर दी डिफरेंट काइंड ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स आर्गेनाइजेशन वर फेसिंग तो आर्गेनाइजेशन ने क्या काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अपना फोकस लजस्लेचर की तरफ रूल रेगुलेशन की तरफ शुरू कर दिया ताकि जितने अच्छे उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल रेगुलेशन होंगे उतने ही अच्छा वो कंट्रोल कर सकेंगे और वो कोर्ट्स के बाहर ही अपने लेवल पे इश्यूज को सेटल कर सकेंगे एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी आनी शुरू होगी नहीं बाउंड्रीज चेंज होनी शुरू हो गई नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट चैलेंजेस क्या क्या हैं न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बट चेंज द बज वर्ड जिसको कहते हैं थिंग्स वर चेंजिंग वेरी फास्ट सो अग्नेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिव एंड द मोर पीपल वर बिकमिंग इंपॉर्टेंट एज दो न्यू चेंजेस वर टेकिंग प्लेस और फिर इसी चेंजेस की वजह से इन्हीं जो कंपेटिटिव प्रेशर्स और जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था न्यू टेक्नोलॉजीज था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ शिफ्टिंग फ्रॉम पर्सनैल टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्योंकि शुरू में तो जैसे मैंने आपसे कहा कि दे आर ओनली कंसर्न अबाउट नंबर्स बट स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम विद न्यू फाइंडिंग्स दैट शिफ्ट वॉज देयर और आज बीसवीं सदी जो हमने देखी बीसवीं सदी का जो मेन इशू था यही था कि ये ह्यूमन रिसोर्स का जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है या बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए सो ऑर्गेनाइजेशन आल्सो चेंजेस एज ए टाइम चेंज और वैसे भी वी ऑलवेज यूज दिस चेंज एज द एनवायरमेंट चेंज इफ यू विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट यू विल बिकम हिस्ट्री सिर्फ आपको लोग याद रखेंगे बिकॉज आप रियालिटी में नहीं होंगे तो थोड़ा सा दोबारा हिस्ट्री को देखते हैं कुछ एक एक डिकेट्स को लेकर देखते हैं और देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो प्राइमरी कंसर्नस थे उस वक्त क्या थे कितना पीछे जाना चाहिए पचास साल साठ साल लेट्स गो एटलीस्ट वन सेंचुरी बैक और देखते हैं कि उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन मेन फोकस एरिया क्या था उनके मेन कंसर्न क्या थे लेट्स सी बिफोर नाइन्टीज उन्नीस से पहले ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंसर्न क्या था दे वर मेन कंसर्न अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर दे वर मेन कंसर्न क्रिएटिंग न्यू काइंड ऑफ सिस्टम्स क्या तरीका याद करें कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाए कितने लोगों को लाया जाए किस तरह आप वो जो फ्री लेबर मिलती थी या जिस तरह गुलाम लेके इंसानों को वो काम लेते थे लेकिन मेन कंसर्न बस प्रोडक्शन बल्क में प्रोड्यूस किया जाए आप कहेंगे आज भी यही है अल्टीमेटली तो वही है बेसिकली कि यू वांट टू हैव मोर मार्केट शेयर लेकिन अब तरीका डिफरेंट हो गया है अप्रोच डिफरेंट हो गई है नेक्स्ट टैन ईयर में क्या हुआ थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन पीपल के बारे में वर्कर के बारे में वेलफेयर का भी उन्होंने कंसर्न सोचा या इनको कुछ खाना शाना भी मिलना चाहिए इनको किस इनकी भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए लेकिन दैट वॉज नॉट द मेन फोकस विच वी हैव राइट नाउ दैट वॉज ए बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू वो जो उन्नीस से पहले था कि इवन उनको इंसानियत से भी नीचे समझा जाता था तीस और चालीस के आशरे में क्या हुआ ये वो दौर था जब यूनियनिज्म बड़ा पीक पे जा रहा था और साथ साथ प्रोडक्टिविटी का भी इश्यू बनता जा रहा था क्योंकि यूनियनिज्म के ये भी एक टॉपिक है जो हम हम लास्ट में कहीं अराउंड फोर्टी और फोर्टी के बाद के जो कुछ लेक्चर्स होंगे उसमें यूनियनिज्म का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या एंड यूनियनिज्म के आने से प्रोडक्टिविटी वॉज ऑल्सो ए कंसर्न जब लोग इकट्ठे हो गए वो मॉप साइकोलॉजी से कहते हैं तो आग्नाइशन के लिए सर्टन इश्यूज आर देयर तो आग्नेशन मेन कंसर्न एट दैट एरा वाउ टू मैनेज यूनियंस हाउ टू मेक श्योर दैट यूर प्रोडक्टिविटी इज राइट एटलीस्ट जितना बेंच मार्क उस वक्त के हिसाब से होना चाहिए था

इकनॉमिक रिसोर्स यू कैन हैव मोर इम्पोर्टेंट डेट वॉज द मेन कंसर्न और फिर जैसे हमने शुरू में कहा कि उसी उस उसी दौरान में मुख्तफ हाथों स्टडीज़ और बाकी एक्टिविटीज़ हुई थी तो उसकी वजह से एक नई शिफ्ट आई जिसको हम ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा टूअर्ड ह्यूमन के जो पार्ट है आपका उसके बेनिफिट्स के लिए सोचा गया तो डेट वॉज फिफ्टीज और सिक्सटीज़ का जो अशर था उसके अंदर ये देखा गया वेंटीज वॉज पहले भी हमने अभी डिस्कस किया कि रूल रेगुलेशन की तरफ लीगल आस्पेक्ट की तरफ कोर्ट से अपने आप को आर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए दैट वाज अ टाइम एंड देट वाज अ मेन फोकस ऑफ दैट टाइम ऑफ आर्गनाइजेश हमें एम्प्लायमेंट्स के के बारे में जो रूल रेगुलेशन हैं उनको स्ट्रांग बनाना है एंड देट वॉज मेन कंसर्न ऑफ दो सैवेंटी और एटी का जो अशर था उसमें क्योंकि उस वक्त तक ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और ह्यूमन रिलेशन जो कंसेप्ट था ये बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा था एंड आर्गनाइजेशन स्टार्टेड फीलिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ना वट दिस व्हाट इज़ दिस क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक अच्छी इन्वायरमेंट काम करने के लिए सेफ इन्वायरमेंट जहाँ स्ट्रेस कम से कम हो आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हो आपको पता हो किसी वक्त ये टूट सकती है तो आई थिंक योर कंसनट्रेशन विल बी डाइवर्टेड थोड़ी सी आप मेरी तरफ बात सुन रहे होंगे थोड़ी सी आप उस पर ध्यान दे रहे होंगे ये किसी वक्त भी गुर सक गिर सकती है टूट सकती है एंड दैट इज द रीजन दैट यू कैन गो अराउंड एंड सी हाउ मच ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वेस्टिंग ऑन द वर्क प्लेस जहाँ आपने काम करना है अच्छा फर्नीचर होना चाहिए अच्छी इक्विपमेंट्स वहां होने चाहिए इवन पीपल आर कंसर्न अबाउट द कलर जो स्कीम लेके चलते हैं आप किसी भी ऑफिस के अंदर किसी भी जहां पे आपने काम करना होता है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपका वर्किंग मूड ही चेंज कर देता है आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन के अंदर आजकल कंप्यूटर साइंस आईटी का जो जिसकी वजह से नई नई लैब्स और ये रिक्वायरमेंट आती जा रही हैं अब देखते हैं कि उस उन लैब्स के अंदर एयर कंडीशन बाकी एक अच्छी रिसोर्स लगा, अच्छे लगाए जाते हैं उनका फर्नीचर अच्छा होता है अच्छा इक्विपमेंट होता है इवन यू कैन स्पेंड मोर देन फाइव सिक्स आवर ऑल टूगेदर वर्किंग देयर एंड यू विल नॉट फील दैट यू आर टायर्ड वो जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है इसमें खाली इन्वायरमेंट की बात नहीं है देर आर सो मनी अदर थिंग्स टू हाउ मच ऑर्गनाइजेशन आर कंसर्न अबाउट देयर वेलफेयर स्ट्रेस फ्री जिसे कहते हैं आगना, जो काम है या एनवायरमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वाज़ द एरा वे आर्गनाइजेशन स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड दैट इज़ कंटिन्यूर आज के दौर में भी इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता अच्छी इन्वायरमेंट में काम करने का मजा ही और होता है एंड यू लिटिल बिट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट तो देन नेचुरली योर विल बी लेस उसके बाद क्या हुआ सी 90s में क्या था नाइन्टी द टाइम वेयर न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी लोग डिफ्रेंशियट करना शुरू हो गए थे अच्छे बुरे में तमीज क्या है ये अच्छा वर्कर है ये कम अच्छा वर्कर है और प्रोसीजर्स और ये जो प्रोसेस थे इनको सिंप्लीफाई भी होना शुरू हो गए थे तो स्लोली फीलिंग दे आर दे है मोर इंप्लाइज देन आर रिक्वायर दे आर तो डाउन साइजिंग कांसेप्ट लेस इनवायरमेंट जो हार की थी वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल से वाइडस्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल बनना शुरू हो गए बड़ा इसने क्यास भी क्रिएट किया नीड ऑफ द डे सो ऑर्गनाइजेशन हैज लाट ऑफ एडजस्टमेंट जहाँ पे दस लोगों का काम करना था उन्होंने उसको दोबारा एनालाइज किया नई टेक्नोलॉजी आ गई एंड दे फिगर आउट कि फोर पीपल्स आर इनफ सिमिलरली टाइप राइटर की जगह कंप्यूटर्स कम, आ गए तो जितने दस लोग ये काम करते थे वो एक इंसान या एक वर्कर जो है दैट वॉज एनफ नए इक्विपमेंट्स आ गए डाउन साइजिंग का जो कॉन्सेप्ट आई ऑलवेज यूज द वर्ड राइट साइजिंग इट इज नॉट डाउन साइजिंग इसका यह मतलब नहीं है काफी लोग बेकार हो जाएंगे इस नई टेक्नोलॉजी आने से बल्कि नई टेक्नोलॉजी जैसे आती है तो उसमें से नए नए रास्ते भी निकलते हैं और दैट डिपेंड हाउ स्मार्ट वी आर वी आर स्मार्ट इनफ वही जो बात याद कि चेंज एज दिन चेंज वी हैव टू क्विकली एडजस्ट अवर सेल्फ और चेंजिंग एन्वायरमेंट के साथ अपने आप को भी उसके लिए तैयार करके अपने लिए नई जगह बना लेनी चाहिए लेट्स उसके बाद क्या हुआ 1990 और टू का जो एरा था उसके अंदर द मेन कंसर्न वॉज ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी एफिशियंसी बट द मेन कंसर्न वॉज क्वालिटी ये जो आप लव सुनते हैं आई एस सो नाइन थाउजेंड एंड सो ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनते गए क्वालिटी के बारे में और हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन कंसर्न आ गया कि अनलेस विल प्रोड्यूस क्वालिटी थिंग वी कैनट सर्वाइव और फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी था आपके स्टेक होल्डर भी इतने स्मार्ट हो गए वो जो बायर थे आपके जो यूजर थे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के दे आर सो मैनी डिफरेंट ऑप्शन आप चीज अच्छी नहीं बनाएंगे वो किसी और से ले लेंगे सो ऑर्गनाइजेश मेन फोकस एंड कंसर्न वॉज क्वालिटी एंड वेन यू आर टाकिंग अबाउट क्वालिटी तो ये तो जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि फॉरगेट अबाउट इफ यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन द मार्केट अनलेस यू प्रोड्यूस अ क्वालिटी स्टफ़ क्वालिटी इज असेंशियल पार्ट नाउ ना वाट इज़ क्वालिटी लास्ट भी एक दो लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है। यस yes, एग्जाम्पल दी थी आपके पेन की कि अगर जिस चीज़ के लिए आपने वो चीज़ ली है वो काम कर रही है और कंसिस्टेंस कर रही है और आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आपको परफॉर्म कर रही है तो आप कहते हैं ये क्वालिटी चीज़ है तो नाइन्टीज़ और टू का जो अशरा था उसके अंदर द मेन फोकस वॉज क्वालिटी

So, मैंने यहां सवालिया निशान रखा है फूड फॉर थाट सोचें क्या मेन कंसर्न है आजकल आज की ऑर्गेनाइजेशन का लड ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रेशन आरअस टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट एंड फिटेस इज विल सर्वाइव वही जंगल का कानून जिसे कहते हैं ना उसके लिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस मेन कंसर्न वी कैन हैव डिफरेंट ऑप्शन दो तीन किस्म के पॉइंट्स हम आपकी चॉइस डिफरेंट होगी मेरी शायद डिफरेंट हो लेकिन यस मेन कंसर्न आर द सेम कि कंपेटिटिव प्रेशर की वजह से सर्वाइवल इज द इशू तो आगे कैसे सर्वाइव करेंगी दिस इज द मेन कंसर्न स्पेशली आफ्टर 2005 थाउजेंड फाइव वेन का वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्री ट्रेड का कंसेप्ट लट ऑफ कंपेटेटिव प्रेशर विल बी देयर सो दैट शुड भी द मेन कंसर्न यू हैव टू सर्वाइव विद द चेंजिंग एनवायरमेंट विद द कंपेटेटिव प्रेशर जहां बहुत बड़े बड़े ज्वाइंट्स जो हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने कंपीट करना है एंड अगेन हेयर द ह्यूमन रिसोर्स आर द पर्सनैल दे आर गोइंग टू प्ले द की रोल कि वो आपके लिए किस तरह कंपेटरवाइज क्रिएट करते हैं यहां पे हमारा वो हिस्ट्री वाला टॉपिक जो है उसको खत्म करते हैं दो क्या दिस इज ए ह्यूज काइंड ऑफ सब्जेक्ट बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस हो सकती हैं लेकिन पढ़िए है जरूर इसको बट नो नीड टू मेमोराइज दोज थिंग जस्ट गेट द फीलिंग ट हैपन आगे देखते हैं कि वो जो शिफ्ट था पर्सनैल से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो कैसे हुआ मुख्तलि एच आर एम की किताबों में या इस सब्जेक्ट के बारे में जो लिखते हैं उन्होंने ये पर्सनैल मैनेजमेंट से शिफ्ट जो है हर एच आर एम की तरफ इसको समझने के लिए इस सारे पिछले पीरियड को मुख्तलिफ एर में डिवाइड किया हुआ बेस ऑन दिन फोकस आर कंसर्न जिस नाम ने अभी डिस्कस किया थोड़ा सा डिफरेंट है उससे लेकिन बेसिक वही थीम वही चीजें डिस्कस हो रही हैं फोर्टी और फिफ्टीज का जो टाइम था जब एक्चुअल शिफ्ट हुई टूवर्ड ह्यूमन रिलेशन ये वो टाइम था जहां पे मेन फोकस वाज मैकेनिस्टिक पीरियड इसको कहते हैं मैकेनिक्स वो क्या था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाज़ द मेन कंसर्न मैक्सिमम इंडस्ट्री थी वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ थी और ये समझा जाता था कि ह्यूमन रिसोर्स जी परफॉर्मेंस है वो मशीन की तरह है उसको मशीन के उन्हीं तराजू पे उसी तरह तोला जाता था ये वो वक्त था जब हम इसको बेसिकली पर्सनल और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप का टाइम कहते हैं और यहाँ पे जिस टेलर ने फेडरिक टेलर जो हैं जिसको हम साइंटिफिक थियोरी ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक इसका आइडिया था वो ये कहते हैं कि ह्यूमन इज़ एसेट बट एज ए कमोडिटी जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे मशीन को आप देखते हो इसको भी उन्होंने कमोडिटी का वो कंसेप्ट था वो फिलासफी थी उस दौर के अंदर फिर वहाँ से शिफ्ट हुई ये वो दौर था वही 60 और 80, 70s वाला आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया था कि उस वक्त मेन कंसर्न क्या था आर्गनाइजेशन का दैट वाज अबाउट द लेजिस्लेशन रूल रेगुलेशन बनाए गए इस तरह के रूल बनाए जाने लगे ताकि मैक्सिमम कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का रहे और मैक्सिमम वो उनको फॉर्मल तरीके से लोगों से काम लिया जाए ताकि वो चीज़ें मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज हो जाएं एंड देन इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो एचआर का फंक्शन था वो मोर कॉम्प्लेक्स होता गया उतना ही इम्पॉर्टेंट होता गया क्योंकि देवर द रूल मेकर देवर डिजाइनिंग द बेसिक फॉर्मेलिटी जो उनकी होती है किस तरह काम करेगा किस तरह कोई आएगा क्या होगा उसके अलावा और मेन जो, जो लेजिस्लेशन थी वो ह्यूमन रिलेशन पे फोकस होने लगी द शिफ्ट पर्सनैल में जहां सिर्फ बेसिक उनकी पार्टीज कर दी आपकी हेल्थ के लिए केयर कर लिया आपकी छुट्टियों का रिकॉर्ड रख लिया नहीं देवर फ्यू स्टेप हैड दे आर मूविंग टूवर्ड रिलेशनशिप इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए, इस तरह के प्रोसीजर बनाए जाए कि जो ह्यूमन रिलेशन हैं या ह्यूमन जो पार्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी बेनिफिट में आए तो देट वॉज दैट एरा बेसिकली और ज्यादातर क्योंकि ये भी वही दौर था जब थोड़ी सी यूनिज्म और इस तरह का भी था तो मैनेजमेंट जो थी वो निगोसिएशन काम भी कर रही थी उस वक्त एचआर के लोग उन लोगों को इन्वॉल्व करके निगोशिएट करके पॉलिसीज बना रहे थे जिसमें उनकी वेलफेयर का भी ख्याल रखा जाता था फिर ये जो 80s का दौर आया, ये ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए हाउ कैन वी मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर एंड मोर स्ट्रांग इसमें फिर क्या हुआ वो जो इसमें हमने अभी भी डिस्कस किया कि डाउन साइजिंग उसके अलावा वर्क प्लेस वर्क इन्वायरमेंट की चेंज जो थी वाई पीपल आर डूइंग दोज थिंग बिकॉज दे हैव टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन एफिशेंट एंड इफेक्टिव प्रॉफिट ओरिएटेड इसमें भी फिर क्या किया क्या ख्याल कि ह्यूमन रिलेशन की वो चीज़ें साथ साथ कैरी करती जा रही थी तो आपका जो एच आर डिपार्टमेंट था वो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू हैव मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट अब इस डाउन साइजिंग से रीस्ट्रक्चरिंग से वट एवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यास भी पैदा हुआ और एचआर के जो लोग थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि ना सिर्फ वो जो लोग ले ऑफ हो रहे हैं या जिनको आप किसी और तरफ शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए वट एक्टिविटी वट काइंडियर प्लानिंग यू हैव एंड ऑल्सो टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वेयर द पीपल हु आर ऑलरेडी विद यू नाउ वर्किंग दे शुड फील कंफर्टेबल एंड दे शुड ऑल्सो फील सिक्योर तो आस्ता आस्ता वो जो एच आर डिपार्टमेंट जो पर्सनल डिपार्टमेंट था वो चंद कामों से शुरू हुआ था इनिशियल से आस्ता आस्ता उसकी इन्वॉलमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग में और स्ट्रेटेजीज की तरफ भी बढ़ना शुरू हो गए क्या हुआ इससे जब ये डाउन साइजिंग और इस तरह का जो एरा आया ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चिंग का उसके अंदर इट वॉज ए कंसल्ट कंसिस्टेंट चेंजेस कंटिन्यू चेंजेस आ रही थी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी प्रायोरिटी चेंज हो रही थी पॉलिसीज नहीं बन रही थी सो एच आर डिपार्टमेंट मोर एंड मोर इन्वॉल्व विद द मैनेजमेंट विद अदर टॉप ऑर्गेनाइजेशन लोग जो होते थे उनके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई और उनका रोल भी चेंज होता गया देन वॉज डाइवर्सिटी भी डैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट लेक्चर वर्क प्लेस के अंदर डाइवर्सिटी भी बढ़नी शुरू होगी रीडिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप होना शुरू हुआ तो डायवर्स किस्म के लोगों ने इकट्ठे काम करना शुरू किया उसके अंदर एचआर डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोर एंड मोर इन्वॉल्व टू क्रिएट ए हारमोनिक एन्वायरमेंट सो दैट डोज डाइवर्स कंपोनेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टूगेदर अगेन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज एंड ऑर्गेनाइजेशन एच के जो लोग थे उनका काम थोड़ा सा इट वॉज़ शिफ्ट टू डायरेक्टिव पहले तो वो फेसिलिटेट कर रहे थे शुरू में सपोर्ट कर रहे थे बाकी डिपार्टमेंट को अब उनका रोल थोड़ा सा डायरेक्टिव की तरफ मैनेज करने की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया देन वॉज नेक्स्ट पीरियड स्ट्रेटेजिक पीरियड जिसको हम कहते हैं 90s का इसके अंदर क्या हुआ कि एच का इंपॉर्टेंट रोल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वो भी आस्ता आसता सरफेस पे आना शुरू हुआ और जैसे जैसे अग्निशन चेंज होती जा रही थी उनकी इफ़ादियत उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी एंड चेंज वॉज काइंड ऑफ अर्लियर इट वॉज अ बज वर्ड ऑफ दैट एरा एंड चेंज की जब बात की तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट रीस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डाउन साइजिंग का कॉन्सेप्ट पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ों को इन हम लेक्चर नंबर सेवन में और अगले चंद लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे तो इस शिफ्ट की वजह से भी एच की एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हो गई एंड उसका जो एक ट्रू फंक्शन था जो आजकल जिसने उसको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया फ्रॉम पर्सनैल टू एच में उसका स्ट्रेटजिक फंक्शन था वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियस होके सरफ़ेस पे आना शुरू हो गया एंड दे वर काइंड ऑफ एच आर डिपार्टमेंट स्टार्टेड एक्टिंग एज स्ट्रेटेजिक दे आर डूइंग द स्ट्रेटेजिक फंक्शन बट सेम टाइम दे स्टार्टेड क्रिएटिंग द पॉलिसीज मोर एंड मोर सिंपल एंड मोर एंड मोर टूवर डेलीगेशन ऑफ पावर और फिर आजकल के दौर में इसको हम कैटलिस्टिक स्टेज कहते हैं कैटलिस्ट किसको कहते हैं ये साइंटिफिक टर्म है जिसको हम इसमें लिविंग को एंजाइम कहते हैं और केमिकल अगर कोई तरह का है उसको कैटलिस्ट कहते हैं जिसका मेन फंक्शन क्या होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन मुतरक करता है चीजों को तो मुख्तलिफ किस्म के आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं नो एच आर इज प्लेइंग द कैटलिस्ट रोल द मेन फोर्स बिहाइंड ऑल दोज चेंजेस एंड दैट इज़ वाट इज द इमरजर रोल ऑफ टू डेज एच आर डिपार्टमेंट उसमें क्या हो रहा है बड़े बड़े मर्जर्स हो रहे हैं आप आजकल देखते होंगे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपस में मर्जर हो रही हैं उनकी मर्जर हो रही हैंक्वायर कर रहे हैं दूसरी ऑर्गनाइेशन को लोग ताकि रिसोर्स को शेयर कर सकें एंड हु इज डूइंग ऑल दिज थिंग हु इज द मेन फोर्स बिहाइंडट द एच आर द ह्यूमन रिसोर्स एंड विद इन दर्गनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स Department is doing all those type of activities. Similarly, ये जो globalization का concept है, इसको भी हम chapter seven में discuss करेंगे कि international exposure, people are going beyond their boundaries, जो उनकी national boundaries उससे निकल के बाहर business कर रहे हैं। इसके अंदर भी HR department is playing very vital role. See, जब simplest वो जो actions थे, parties से शुरू हुए थे, retirement parties से शुरू हुए थे, वो अब इतने कंप्लेक्स और इतने मेन जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है उसमें एच आर डिपार्टमेंट की इन्वॉलमेंट होनी शुरू होगी दैट इज़ हाउ द पर्सनल डिपार्टमेंट इज शिफ्टेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की शक्ल में आगे आया उसके अलावा लोग भी ज्यादा सेलेक्टिव होते जा रहे हैं नाउ पीपल हैव मोर ऑप्शंस तो एचआर डिपार्टमेंट इज अगेन वेरी मच एक्टिव एंड क्रिएटिंग कैरियर डेवेलपमेंट थिंग्स डिसाइडिंग अबाउट द ट्रेनिंग एंड कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर नी याद होगा आपने मैंने एक लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि आजकल के आर्ग्नेजन के चैलेंजेस क्या क्या है एच आर के हवाले से एंड दैट वॉज टू अट्रैक्ट पीपल टू डिवेल्प दैम टू कीप दम मोटिवेटेड एंड टू रिटेन दैम तो उस हवाले से अगेन एच आर की उसकी वर्किंग में उसकी जो पोजिशनिंग थी उसमें फर्क आया और उनकी जो अग्नाशन के ऊपर मैनेजमेंट के हवाले से होल्ड बढ़ता बर, चला गया एंड टीम वर्क बिकेम मोर इंपॉर्टेंट रादर दैन इंडिविजुअलिज्म पीपल आर मोर टूवर्ड टीम वर्क एंड द मोर इट इज टुवर्ड टीम वर्क मोर दिस एच आर डिपार्टमेंट इज बिकमिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज हु इज इंस्ट्रूमेंटल हेयर दोज पॉलिसी मेकिंग विच आर मेकिंग पॉलिसीज आर प्रोसीजर फॉर ह्यूमन पार्ट ऑफ यूर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली एच आर सर्व एज ए जो एच आर आपके लोग हैं वो एज ए बिजनेस कंसल्टेंट का काम भी करने शुरू हो गए पॉलिसी मेकिंग में स्ट्रेटीज फॉर्मेशन में दे बिकम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस सारे को थोड़ा सा वाइंड अप करने के लिए पीपल हैव क्रिएट काइंडलप थ्री स्टेजेस ऑफ एचआर डिवेलपमेंट इस सारे को जितनों को हमने मुख्त स्टाइल uh, से डिस्कस करने की कोशिश की कभी हिस्ट्री के शकल में कभी ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न की शक्ल में कभी जो मुख्तलिफ़ पीरियड्स का नाम दिया किसी ने अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो वी कैन डिवाइड दैम इंटू थ्री फेजेस पहली स्टेज क्या थी जिसमें उनका काम सिर्फ छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना हेल्थ के लिए उनके इंश्योरेंस वगैरह या मेडिकल की फैसिलिटी का अरेंज करना रिटायरमेंट के वक्त पार्टी कर देना या इवन वे फुल डिस्कस द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एच जो शिफ्ट हुआ बेसिक पर्सनैल से उस वक्त भी उनका मेन फंक्शन था रिकॉर्ड कीपिंग बट विद द टाइम इट वॉज चेंज टू रेगुलेटरी जिसमें अकाउंटेबिलिटी वगैरह उनके लिए सर्विसेज का अरेंज करना एंड दैट वॉज स्टेज नंबर टू जहां पे उनकी फैसिलिटेशन उनकी मॉनिटरिंग उनके बेनिफिट्स पेस पैकेजेस ट्रेनिंग पार्ट इस तरह की एक्टिविटीज को भी मद्देनजर रखा गया एंड दैट वाज सेकंड लेयर सेकंड स्टेज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ एचआरएम आर जो डेवलपमेंट ऑफ एच आर इतना इंपॉर्टेंट रोल जो उसका आता गया इस सेकंड स्टेज तक पहुँच गया एंड देन द लास्ट थर्ड स्टेज कैम दैट वॉज कंपेटेटिव एडवांटेज स्टेज कि किस तरह यह एच आर को कंपेटेटिव एडवांटेज के लिए यूज किया जाए और यहां पर वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उनकी इन्वॉलमेंट आ गई और एच आर मैनेजर बिकम द स्ट्रेटेजिक मैनेजर फॉर दर्गेनाइजेशन बिकॉज मेन स्ट्रेटजी इज डिपेंडिंग नीपल लेकिन फिर भी ये क्या डिफरेंस है पर्सनल मैनेजमेंट में और एच में और वो में लोग इसको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और एक ही मीनिंग लेते हैं एंड इन रियलिटी यस दिस इज द सेम थिंग उनमें जो डिफरेंस है इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इट इज अप्रोच इन पर्सनल मैनेजमेंट इट वॉज जस्ट टू Facilitate certain activities of personnel related or human related in the organization. But with the passage of time, with the more toward human relations and in giving the humanistic approach, it has attained a position where now they are playing the strategic role basically. Not only facilitating, not only creating policies and all those, but they are also playing a very vital role in the strategic formulation of the organization why today we are thinking that hr is playing strategic role because this is the only component of the organization through which you can create competitive advantage now people and organization have recognized it that if you want to create पेटेटिव एडवांटेज यू हैव टू डिपेंड ऑन पीपल द ह्यूमन बींग इसी वजह से इसका रोल इसकी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी आ गई एंड देट इज द शिफ्ट सो डिफरेंस क्या हुआ अप्रोचेस का हुआ कि शुरू में रिकॉर्ड कीपिंग था फेसिलिटेशन था फन पार्ट था आता आस्ता सीरियस एफर्ट की तरफ शिफ्ट हुआ ये डिपार्टमेंट ये सब्जेक्ट ये एरिया और इसने स्ट्रेटेजिक रोल अडाप्ट कर लिया नो वट इज नेक्स्ट इट्स सी यस बट एज आई इन बिगिनिंग आई सेट दैट हिस्ट्री इज समथिंग समाइम इट इज़ बोरिंग वाई इट इज़ बोरिंग और वैन इट इज बोरिंग वैन यू हैव टू मेमोराइज इट बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वेन यू हैव टू लर्न द लेसन फ्रॉम इट तो हिस्ट्री को हमने इसलिए पढ़ना है और आज इसको सब पढ़ने की भी कोशिश की कि इससे कुछ सबक सीखें और देखें कि दुनिया में कैसे ये चीज़ें शेप अप होती हैं और आगे हमने कैसे चलना है तो एज यूजल वाइंड अप करने से पहले वी हैव टू यस समर आइज वी हैव कवर टूडे तो आज हमने पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया ये क्या चीज़ है हिस्ट्री देखी कैसे शिफ्ट हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट से टूवर्ड ह्यूमन रिलेशन एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की तरफ और फिर इसका स्ट्रैटेजिक रोल एंड देन वी आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे इसका जो शिफ्टिंग थी फ्रॉम पर्सनल टू एच की तरफ गया और पर्सनल मैनेजमेंट और एच मैनेजमेंट में एक बेसिक डिफरेंस एज सच सबसांस का नहीं है ये अप्रोचेस का डिफरेंट है जो शुरू में एक सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू हुआ एंड दे हैव रीच एट द कंप्लेक्स फॉर्म और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटेजिक रोल तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट और इसको जहन में रखते हुए आगे चलेंगे लेकिन आगे क्या है वट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर सेवन ये वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स एच आर इन दिस चेंजिंग एनवायरमेंट And environment play a very important role in the decision making, in the policy making and in your response. And when we talk about the environment, micro immediately macro. you immediately and broader spectrum, it is affecting And then after that, we will discuss about the new trends at workplace. There is a lot of changes there. इफ़ वी कंपेयर टू डेज ऑर्गनाइेशन ऑफ कपल ऑफ डिकेट्स बैक उनको डिस्कस करेंगे इनशाला एंड आई होप यू विल एन्जॉय दैट लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपने पढ़ना है और चैप्टर सिक्स के बाद चैप्टर सेवन के लिए आपने अच्छी तरह ये एक दो चैप्टर जो होंगे एनवायरनमेंट में और ट्रेंड्स के इसको पढ़ के आएंगे या पढ़ के फिर सुनेंगे तो यू विल एन्जॉय लेकिन इंजॉयमेंट ऐसे नहीं होती ना उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी आपको भी मुझे भी तो लेट्स होप कैन वन वी सी इच अदर नेक्स्ट टाइम फॉर चैप्टर सेवन यू विल बी प्रिपेयर एंड आई बी प्रिपेयर एंड वी टूगेदर विल मेक द डिफरेंस विद दिस थाट अल्लाह हाफिज़ अलैक्म